Given the following entropy values at 298 केल्विन एंड 1 एटीएम, हमें ठीक है अलग अलग स्पीशीज की एंट्रोपी दे दी है, अब इस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज निकालना है. और रिएक्शन है क्या, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl. इस रिएक्शन के लिए मुझे क्या निकालना है, एंट्रोपी चेंज. तो वही बात है, एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट. प्रोडक्ट में कौन है, 2 इंटू एंट्रोपी ऑफ HCl माइनस रिएक्टेंट में, यानी एंट्रोपी चेंज किसका, H2 का. एंट्रोपी चेंज किसका, Cl2 का. तो HCl कितना दिया है, H2Cl2. 2 इंटू 186.7 माइनस H2 की एंट्रोपी है 130, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 223. ये हो जाएगा माइनस का 353, 353. और ये है हमारे पास कितना, 186.7 इंटू 2, अप्रॉक्सीमेटली 186 ही है. 2 8 16, 9. वन एट्टी सिक्स पॉइंट सेवन इंटू टू, 2 7 14, 2 6 12, 13, 2 8 16, 17. ये आएगा 373.4, ठीक है. तो डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, ऑप्शंस क्या क्या हैं, 547, नहीं यही आ जाएगा, 19.8 ही आएगा इनका डिफरेंस, है ना. सो दिस वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 19.8. ये क्या आ गई हमें, रिएक्शन की एंट्रोपी चेंज. एंट्रोपी चेंज क्या होगा, प्रोडक्ट की एंट्रोपी का सम्मेशन माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी. प्रोडक्ट में कौन है, HCl, पर HCl के कितने मोल्स हैं, 2. तो हमने क्या करा है, 2 से मल्टीप्लाई, और उसके बाद फिर कैलकुलेट कर दिया, 186.7 इज 373, 73 माइनस 53 20, तो 20 से कुछ कम 19.8, ठीक है. ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर.